अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, लाहौर रियल एस्टेट से मुजाहिद यासीन। फ़ोन नंबर मेरा है +9232249292। व्हाट्सएप कॉल प्रेफर्ड है। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक पैकेज बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अनाउंस किया है, और उसमें कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी के लिए भी हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सादा लफ्ज़ों में आपको बता देता हूँ। जो आप सुन रहे हैं टीवी पे वो आपको समझ नहीं आएगा, या अखबारों में पढ़ रहे हैं वो डिटेल्स नहीं है। बेसिकली फर्दर डिटेल्स तो आएंगी, लेकिन अभी जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है एक्टर वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली ये मेनली कंस्ट्रक्शन और बिल्डर सेक्टर के लिए पैकेज है। ये एक किस्म की एमनेस्टी स्कीम है जो कि ऑफर की गई है, ओपन एंडेड है, एटलीस्ट दिसंबर तक है, और हो सकता है पॉसिबली नेक्स्ट जुलाई तक ये इम्प्लीमेंट हो। दिस ईयर का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है एक तो जगह पे, तो अब वो फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है और कैलेंडर ईयर भी हो सकता है। जो भी हाउसेस की कंस्ट्रक्शंस में इन्वॉल्व है, बिल्डर्स जो भी हैं सारे कंस्ट्रक्शन में जो इन्वॉल्व हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं, या सड़कें बना रहे हैं, कुछ भी जो भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है बंदा, उसके लिए जो है बेसिकली रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी गई है कि वो अपनी जो अमाउंट लगाएंगे उस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। यानी कि वो जहां से मर्जी जैसा मर्जी कमाया हुआ पैसा उस पर लगाएं, आप 10 अरब डॉलर की बिल्डिंग खड़ी कर लें, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि ये 10 अरब डॉलर कहां से आया। तो बेसिकली एमनेस्टी कह लें इसको, ब्लैक मनी जो है उसको वाइट करने का एक चैनल नया खुल गया है बेसिकली रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, जो काफ़ी देर से बंद हो गया था, पिछले 2 साल से 2.5 साल से उसको दोबारा ये चैनल को खोल दिया गया है। कोरोना की वजह से प्रेशर था, कुछ जॉब्स लोगों की जो है ना क्रिएट नहीं हो रही थी। ये बहुत बड़ा पैकेज इसके पीछे बैक एंड पे काम इस पर हो रहा था 1.5 साल से, और अभी वो अनाउंस नहीं हुआ। हो सकता है कि अगले बजट में वो इसको अनाउंस करें। बेसिकली ये आगे जो है ना रिफॉर्म्स लेके आने लगे हैं कि मॉर्गेज अलाउ करेंगे लॉन्ग टर्म 20 ईयर्स के लिए तकरीबन, जो है ना लो इंटरेस्ट पे जो है ना आपको मॉर्गेज मिलेंगे घरों के। ये जो बिल्डर्स घर बनाएंगे, ये बैंक्स जो हैं वो गारंटी गवर्नमेंट देगी, और उसके अगेंस्ट जो है ये आपको मॉर्गेज मिलेंगे। लेकिन ये इस पैकेज में अनाउंस नहीं किया गया। इस पैकेज में जो अनाउंस किया गया वो ये अनाउंस किया गया है कि जो भी बिल्डर्स हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, वो अपना जो मर्जी फंडिंग करे, इन्वेस्टमेंट करे, अपने प्लॉट लेने के लिए, उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए, चाहे वो अपार्टमेंट बिल्डिंग हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, उस पर उसको कोई सबूत नहीं देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया है। तो बेसिकली ये एक किस्म की उनके लिए एमनेस्टी स्कीम है कि ज़ाहिर है वो लोग अब घर बनाना है तो उसके लिए प्लॉट भी चाहिए होगा, तो प्लॉट को भी नहीं पूछेंगे कि कहाँ से आया। तो बिल्डर्स अब फर्ज किया कमर्शियल बिल्डिंग है, किसी ने कमर्शियल प्लॉट लिया हुआ है, तो उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन करता है बिल्डर, तो उसको नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, प्लॉट कहाँ से लिया है, प्लाजा कहाँ से लिया है। ठीक है, उसका पैसा अब लीगल होगा। तो अगर वो कमर्शियल प्लॉट लेके उसके ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ी करता है, तो प्लॉट भी जो है उसके पर नहीं पूछा जाएगा कि पैसा कहाँ से आया, और बिल्डिंग भी बनाने पे उसको कोई नहीं पूछेंगे। दूसरा जो है इसके ऊपर जो है टैक्सेस जो हैं, जो भी बिल्डिंग वो बनाएंगे, जो भी सारा कुछ वो फर्ज किया अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाते हैं या घर बनाते हैं, तो पहले उनको सेवरल डिफरेंट किस्म के टैक्सेस देने पड़ते थे, अब उसको उन्होंने एक फिक्स टैक्स जो है ना वो करने लगे हैं पर स्क्वायर फुट और पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से उसको टैक्स लगाएंगे। वो कितने परसेंट होगा वो इसमें क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इसको सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, बजाय मल्टीपल टैक्सेस के वो एक टैक्स लगाएंगे बिल्डर पे और कंस्ट्रक्शन करने वाले पे, कि ये आपने घर बनाया है तो आप बजाय ये टैक्स वो टैक्स फलाना टैक्स दें, एक फिक्स टैक्स होगा। और वो भी जो भी टैक्स की अमाउंट अनाउंस होगी, अगर वो इन्वेस्टमेंट नया पाकिस्तान के किसी प्रोजेक्ट के लिए, हाउसेस के लिए या उसके अपार्टमेंट्स के लिए, तो वो जो प्रॉफिट
उस पे होना था, बिल्डर्स को जो उसने टैक्स देना था वो उसका भी जो है वो 90% उनको माफ कर दिया जाएगा, सिर्फ 10% देंगे। जो ड्यू टैक्स होगा यानी कि पर स्क्वायर फुट या पर स्क्वायर यार्ड जो टैक्स फिक्स करेंगे वो, उसका बिल्डर जो नॉर्मली देते हैं टैक्सेस, उनको अगर फर्ज किया 100 रुपये देने पड़ना है, तो अगर नया पाकिस्तान की बिल्डिंग वो बना रहे हैं या घर बना रहे हैं उस प्रोग्राम में जो शामिल है, तो उनको सिर्फ 10 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि वो बिल्डर से 90% कम टैक्स वो पे करेंगे। वो बहुत बड़ी रिलीफ दे रहे हैं कि लोग इनकरेज हों नया पाकिस्तान के हाउसेस, अम्ब्रेला के अंडर जो भी हाउसेस हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बनाना चाहते हैं बिल्डर्स वो बनाएं। इसके अलावा और बहुत अच्छा काम इन्होंने ये किया है कि विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर, सिर्फ और सिर्फ सीमेंट और स्टील के अलावा जो भी मटेरियल या यूज़ होता है, जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, उन पे विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। जो भी स्टील और सीमेंट के अलावा है, लकड़ी है, पेंट है और चीज़ें हैं आपकी, जो भी ग्लास लगता है घर पे, अलमुनियम लगती है, उस तरह की जो चीज़ें हैं उन पे विद होल्डिंग टैक्स जो है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है, जिससे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाली कंपनियों को बहुत फायदा होगा। इसके बाद जो है, जो जो भी फैमिली अपना हाउस सेल करेगी, जो भी फैमिली अपना हाउस मतलब सेल करेगी, उसको 0 टैक्स है। पहले ये 5 साल पे जो है ये टैक्स पड़ता था आपको प्रॉफिट के ऊपर, डिफरेंट ब्रैकेट्स थी, अगर आप जल्दी सेल करते हैं तो कुछ और था। 5 साल तक जो है ना, अगर आप घर सेल करते थे तो आपको टैक्स देना पड़ता था, प्लॉट पे 8 साल था और मकान पे 5 साल था। अब ये जो है वो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया कम्प्लीटली। आप आज घर लें, महीने बाद सेल करते हैं, अगर प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं है। आज लें, 6 महीने बाद सेल करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। घर के ऊपर जो है फैमिली अगर कोई प्राइवेट लेती है, यानी कि ये कोई बैंक या कॉरपोरेशन नहीं, अगर कोई फैमिली लेती है तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं है। इस पे ये क्लियरली नहीं लिखा गया कि उन्होंने घर कब खरीदा हो, सिंपली उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी उन्होंने। उन्होंने कहा जी फैमिली जो है वो अगर घर सेल करेगी तो उस पर टैक्स नहीं है। अब फैमिली से अगर हम अज्यूम करें तो ये है कि अगर कोई कॉरपोरेशन है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, अगर कोई बिल्डर है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये है कि जो फैमिली है अपना घर बेचती है तो वो टैक्स नहीं देगी। 0 टैक्स ऑन इनकम ऑफ सेलिंग एनी हाउस, प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं होगा। अच्छा जी, इसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है सेक्टर को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है। बकायदा इसके लिए जो है एक बोर्ड सेट किया गया है जो कि इसकी प्रायोरिटीज़ को देखेगा, इसमें चेंजेस करनी हो, इसमें अपग्रेड करना हो, इसमें मज़ीद इंसेंटिव देने हो, उसके लिए है। 30 बिलियन जो है रुपीस, 3,000 करोड़ रुपए जो हैं उनको इंसेंटिव दिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसेस में सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि हाउसेस सस्ते दिए जाएंगे, गवर्नमेंट उसमें से अपना 30 बिलियन जो कि 3,000 करोड़ रुपए बनते हैं वो गवर्नमेंट डालेगी आपके घरों के लिए, ठीक है। उसमें से कुछ हिस्सा जैसे डेवलपमेंट होती है ना सब्सिडाइज रेट पे, इस तरह कह लें कि घर जो हैं वो सब्सिडाइज रेट पे मिलेंगे। फ़र्ज़ किया घर की कॉस्ट है 50 लाख, तो 20 लाख उसकी बेयर करेगी गवर्नमेंट। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस तरह वो अमाउंट वो यूज़ की जाएगी। 3,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है जो इसके लिए अनाउंस की गई है कि नया पाकिस्तान स्कीम में सब्सिडीज दी जाएगी। अच्छा, अब आ गई प्रॉपर्टी, टू दी पॉइंट, प्रॉपर्टी के लिए भी एक स्टेप इन्होंने अनाउंस कर दिया, कुछ करेगा जो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके मज़ीद रिफॉर्म्स आएंगी इसमें प्रॉपर्टी में। मोस्ट लाइकली एक और एमनेस्टी स्कीम आएगी फिर दोबारा इसमें प्रॉपर्टी में, जैसे कि ये सेक्टर के लिए अनाउंस की गई है बिल्डर्स के लिए, तो उसमें फिर दोबारा एक एमनेस्टी की बातें हो रही हैं, गारंटीड नहीं है लेकिन बातें उसकी चल रही हैं अंदर खाने। वो भी इसी तरह की होगी कि कोई साल एक के लिए
आपसे पूछा नहीं जाएगा कि पैसे कहाँ से आए हैं। अभी सिर्फ बिल्डर्स के लिए है, कंस्ट्रक्शन हाउसेस के लिए है कि आपसे फंड्स की अमाउंट नहीं पूछी जाएगी कहाँ से आई है, लेकिन एक दरवाज़ा थोड़ा सा उन्होंने खोला है टेस्टर के लिए और ये इसको आगे ये बढ़ाएंगे अगले बजट में, उसमें साथ में मॉर्गेज भी शायद अनाउंस करें और ये एमनेस्टी भी अनाउंस करें, ना भी करें तो अभी जो उन्होंने अनाउंस कर दिया है दैट इज़ अ ह्यूज स्टेप। वो ये है कि 5 से 6% डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रोविंस में टैक्स लगता है, कहीं पे 6% लगता था सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी, कहीं पे 5% लगता था, उसको कम करके तो 2% कर दिया गया पंजाब में, केपीके में, और मोस्ट लाइकली यही सिंध में भी इम्प्लीमेंट होगा और बलोचिस्तान में भी होगा। अभी वो दोनों ने अग्री नहीं किया, पंजाब और केपीके ने अनाउंस कर दिया कि ये 2% अपने सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी कर रहे हैं। इससे क्या होगा, ये ह्यूज किस्म की प्रॉपर्टी के लिए ब्लेक है, सबसे ज़्यादा हर्ट जो कारोबार को किया था, ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, लाखों में बात चली जाती है, एक एक प्लॉट पे लाखों रुपया जो है ना सीवीटी स्टैम्प ड्यूटी में जाता है। अब वो जो है ना 6% से या 5% कम होकर 2% पे कास्ट आ जाएगी, जो कि आज से 3 साल पहले थी जब मार्केट बड़ी तेज़ थी, तो वो इसी वजह से तेज़ थी कि ब्लैक मनी मार्केट में आती थी, जो कि अब घूम फिर के कान को इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें आनी ये प्रॉपर्टी में ही है। कंस्ट्रक्शन बिल्डर का नाम है, कंस्ट्रक्शन बिल्डर उसने हवा में तो नहीं खड़ी प्लाटों पर खड़ी करनी है ना, हवा में तो नहीं करेगा, कुछ समुंदर के अंदर तैरता हुआ कोई बिल्डिंग तो नहीं ना बनाएगा, प्लॉट पे बननी है ना। तो बेसिकली प्लॉट जो खरीदेंगे डेवलपर वो उनसे कोई पैसों की नहीं पूछा जाएगा। अब जो भी बंदा बिल्डर है लाहौर में फर्ज किया DHA में प्लॉटों पर घर बनाता है बिल्डर, तो वो जो भी लेगा जहाँ से मर्जी ले उसको कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे पैसे कहाँ से आए हैं प्लॉट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि बेसिकली अभी मतलब कहने को तो ये कहा जा रहा है कि जी ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए जो है ना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन जिस चीज़ पे होनी है वो भी कहाँ कहीं से आएगी तो वो चलेगा ना आगे। तो ये सिर्फ एक मतलब रास्ता नया खोला गया है एमनेस्टी में, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एमनेस्टी है, इसको एमनेस्टी का नाम अभी नहीं दिया जा रहा FATF से खतरे की वजह से और दूसरी चीज़ों से, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ब्रेक है जो 3 साल से मार्केट ठप हुई थी, उसकी मेन वजह ये थी कि ब्लैक मनी रुक गई थी इस सेक्टर में आने की और टैक्सेस बहुत हाई थे, CVT स्टैम्प ड्यूटी बहुत ऊपर चली गई थी, वैल्यूएशन चूँकि प्लॉटों की काफ़ी बढ़ गई हैं पहले से तो वो बड़ी चुभती थी लोगों को, बहुत ज़्यादा 4-4, 5-5, 6-6 लाख, 8-8 लाख रुपए मतलब लोगों की कनाल कनाल के प्लॉटों की ट्रांसफ़र जाती थी। अब वो बहुत कम हो जाएगी, ख़ासतौर में DHA में इसमें बड़ा ह्यूज किस्म का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्लॉटों की फेज 6 में फेज 8 में काफ़ी वैल्यूएशन थी, बड़ा टैक्स लग जाता है उस पर ट्रांसफ़र, तकरीबन आधी ट्रांसफ़र कास्ट हो जाएंगी जो है ना। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, दो चीज़ें यानी कि प्रॉपर्टी को तो CVT स्टैम्प ड्यूटी जो है वो स्लैश करके सूबों ने जो है पहले फेडरल ने तो पहले ही स्लैश कर दी थी, 1% कर दी हुई है, वो भी पहले ज़्यादा होती थी तो 1% थी, अब जो है सूबाई जो है वो भी 2% पे आ गई वैल्यू, तो ये टोटल आपकी कास्ट जो है गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह जो 3%, दैट इज़ नथिंग, ठीक है, इससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर फेयर मार्केट वैल्यू भी प्लाटों की लगा लेते हैं तो भी ये बहुत कम कास्ट हो जाएगी, प्लाटों की ट्रांसफ़र कास्ट बहुत कम हो जाएगी, और जैसा मैंने ऊपर कहा है मैं दूसरी तीसरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ कि प्लाट घर तब बनेंगे जब प्लाट होंगे, प्लाटों के ऊपर ही घर बनाएंगे ना, तो प्लाट भी इसी मनी से खरीदे जाएंगे, इसको कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से आइए कहाँ से आइएगा, हर बंदा अपने आप को बिल्डर रजिस्टर करा लेगा और चल पड़ेगा लाला ख्याल चला। तो सब दोस्तों को जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, जो डीलिंग करते हैं, जो सारे इन्वेस्टर्स हैं, जो सारे लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत देर के बाद 2 सालों के बाद ये हमें पहली गुड न्यूज़ मिली है, मार्केट पूरी तरह ठप हुई हुई थी और गवर्नमेंट को अब रियलाइज़ हुआ है कि रियल स्टेट सेक्टर ही है जिससे बाकी सारे सेक्टर चलते हैं, तो अब वो इसको करेक्ट करने के मूड में है। जैसा मैंने आपको 2-3 महीने पहले भी याद होगा मैं बार बार यही कहता था, आपने जो मेरे वीडियो देखे हैं प्रिज्म के भी देखे होंगे और उससे थोड़ी देर पहले के भी, कि या गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी या इसकी पॉलिसियां चेंज हो जाएंगी, दोनों में से एक चीज़ आगे चेंज होने जा रही है भाई, यहाँ पे सारे प्लॉट जो हैं वो मेजरों कर्नलों जनरलों के हैं, पॉलिटिशियंस के हैं, जजों के हैं, ठीक है।
तो उनके प्लॉट जब इस तरह बुरी तरह गिर रहे हैं, मतलब 30-30, 40-40 लाख एक एक प्लॉट पे उनका गिर गया है, तो वो इतनी देर चीज़ों को बर्दाश्त कर नहीं सकते ना। या गवर्नमेंट को चेंज कर देंगे या फिर पॉलिसीज को चेंज कर देंगे। तो पॉलिसीज चेंज हो रही हैं और पॉलिसीज चेंज होने से हो सकता है गवर्नमेंट अब ना चेंज हो। अगली गवर्नमेंट ने यही आके करना था ना, जो ये कर रहे हैं वो कौन सा नया तीर मार लेंगे, यही चल रहा था ना पहले भी। तो इन्होंने कहा कि वही चलाते हैं पुरानी जो है ना वो रवश, जिस पे मार्केट धड़ाधड़ चल रही थी वो दोबारा शुरू। इंशाल्लाह ताला कोरोना का ये तो टाइम जो है वो 14 अप्रैल के बाद जो है फिर पकड़ लो प्रॉपर्टी में, इंशाल्लाह ताला देखें वही काम शुरू हो जाएगी, गेंद शुरू हो जाएंगे। फ़र्क पड़ेगा, इंटरनेशनल रिसेशन थोड़ी सी आ रही है, गल्फ की कीमतें भी ऑयल की नीचे हैं, उधर भी थोड़ी सी आएगी, लेकिन ये पॉजिटिव न्यूज़ उससे बहुत बड़ी है, ये उसको ओवरकम कर लेगी। चीज़ें हर जगह पे जो है ना, ये प्रॉपर्टी मार्केट ऑलरेडी मरी हुई थी, इसने और मरना नहीं था ना, मरी है आपके सामने, वही रेट है, वही सारा कुछ है, कोई पैनिक नहीं है, कोई सिंगल सेलर नहीं है जो जिसने कहा हो कि, यकीन करें एक सिंगल सेलर नहीं है जिसने कहा हो जी कोरोना की वजह से मेरा प्लॉट बेच दो, मैं डर गया हूँ कोरोना की वजह से मार्केट गिर जानी है या इकॉनमी गिर जानी है तो मेरा प्लॉट बेच दो। नॉट अ सिंगल पर्सन हैव कॉल्ड मी टू सेल इज प्लॉट। ठीक है, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा, मैं 96,000 बंदे से मंथली बेसिस पे टच हूँ। ठीक है, किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि जी मैं मर गया रुट गया, मेरी जॉब चली जानी है या मेरी ऐ हो जाना, मेरी प्लॉट सेल कर देंगे कोई। नो, बायर जो है वो पीछे बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि किस करवट ये ऊँट बैठता है, तो मैं आता हूँ मार्केट में। 2 साल से लोग पैसा लेके डालों में लेके बैठे हुए हैं, कहाँ पे लगाएं कैसे लगाएं, डर था उनको कि हम प्लॉट लेंगे को ये टैक्स का पूछेंगे वो पूछेंगे। अब वो छोड़ेंगे वो ये चीज़ें ना, अब चलेंगी आगे खुले टुले होके, सारा जो है ना लोग काम करेंगे। टैक्स ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, प्रोविजनल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, तो गुड न्यूज़। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, ये अब 1 महीने में या 1 हफ्ते में चीज़ें चेंज नहीं होंगी, जिस तरह 2 साल नीचे आने में लगे हैं इस तरह कुछ 6-8 महीने ऊपर जाने में भी लगेंगे। बट गुड टाइम इस 14 अप्रैल से, 14 अप्रैल जो आ रही है इससे जो है ना ये सारी चीज़ें इफेक्टिव होंगी। कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टी का बिजनेस 14 अप्रैल से खुल जाएगा, तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही इंशाल्लाह 14 अप्रैल को खुल जाएगा। कोरोना का जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है पाकिस्तान पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, डॉक्टर्स क्लाइंट हैं, दोस्त हैं, बकौल उनके के पाकिस्तान में मलेरिया और शीर्षक के जो बाजू पे टीके लगते थे, इन दोनों की वजह से हमारे पाकिस्तानियों के जिस्मों में काफ़ी इम्यूनिटी है, ये वायरस पहले तो अटैक ही नहीं करता, और अगर करता है तो उसके साइड इफेक्ट जानलेवा नहीं साबित होते, काफ़ी ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी है। अल्लाह हमें इस आफत से बचाए, फिर भी दुआ है सबको महफूज रखे, आप सबके ख़ानदानों को महफूज रखे। वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो 14 अप्रैल तक जो है इंशाल्लाह ताला हमें वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये मार्केट खुलेगी और काफ़ी बेहतर प्राइसेस होंगी, बेहतर ट्रांसेक्शन होगी, बाइंग सेलिंग होगी, पैसे वैसे रेडी करें इंशाल्लाह ताला वी विल हैव गुड टाइम अहेड। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह हाफिज़ सबको। दोस्तों को ये वीडियो पसंद आया होगा काइंडली हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप्स ज्वाइन करें, +9232249299 पे मैसेज करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। हमारे 778 ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, जिसमें हमारे क्लाइंट्स और दोस्त जो हैं वो डेली प्राइसेस पे अपडेट रहते हैं, नई न्यूज़ प्रॉपर्टी की, कोई नई लॉन्चिंग, इस तरह की चीज़ों पे आप मुसलसल अपडेट रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इतने सारे हमारे जो मेंबर हैं वो सारे चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ताकि मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम फ़ायदा हो सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।